ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ सर। ओके गुड, चलो ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है, ये आज सीखेंगे। तो कार्डियक अरेस्ट, ये नाम भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, बट यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट, अरेस्ट मतलब रुक जाना, बंदी हो जाना। मतलब हार्ट जब अपना काम करना बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। मैं जब कहता हूँ कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। कई बार लोग हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को सेम मानते हैं। नहीं, हार्ट अटैक एक अलग चीज है। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में जो हार्ट होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो मैंने उस दिन बताई थी, तो वो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है किसी कारण की वजह से, और फिर हार्ट का जो एक पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से अपना जो हार्ट का टिश्यू है या पार्ट है उसको डैमेज होने लगता है, उसका इस्केमिया होने लगता है, तो उसे कहा जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक मतलब कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट होने के लिए कई सारे रीजन है। कार्डियक अरेस्ट ब्लड लॉस हो जाए तो भी वजह से हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया में भी हो सकता है, या फिर हाइपोक्सिया की वजह से भी हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट होने के कई सारे रीजन है। तो ये कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को होता है तो क्या करना चाहिए? तो कार्डियक अरेस्ट बेसिकली जब होता है तो ये चार रिदम की वजह से होता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन रिदम जो इसमें है उसको कहा जाता है वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन, VFB बोलते हैं उसको। तो फिब्रिलेशन मतलब जो जैसे आप बहुत ज्यादा सर्दी है या ठंड है तो हाथ पाओ कैसे कांपते हैं, तो वैसे हार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के बजाय कांपने लगता है, तो उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको VTB भी बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बट ये पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होना चाहिए। फिर आता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड असिस्टोल। ये चार रिदम है जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट यूजुअली होता है, ठीक है। तो VF क्या होता है? VF बेसिकली उस दिन अगर आपका ECG लेक्चर हुआ है तो ECG में जब पढ़ाया होगा कि P, Q, R, S, T ये सारे वेव्स बनते हैं ECG में, लेकिन VF क्या होता है? VF में जो मॉनिटर है या ECG पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना P दिखाई देगा, ना Q दिखाई देगा, ना R, ना S, ना T, पूरा ऐसा बिजार पैटर्न दिखेगा, तो उसको VF कहा जाता है, ठीक है ना। VT में क्या होता है? VT में कंटिन्यूस ब्रॉड कॉम्प्लेक्स QRS दिखते हैं एक के पीछे एक। लो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब वाइड होता है QRS। पी वेव शायद दिखे, लेकिन कई बार नहीं दिखता, पी वेव दिखता नहीं, सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स दिखता है VT में, वो भी ब्रॉड रहता है। अब ये क्या होता है VF और VT में? VF में हार्ट जो है वो पंप कर ही नहीं रहा होता है, VF में हार्ट सिर्फ कांप रहा होता है, और वो कांपने की वजह से क्या होता है, वो
कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको जैसे क्विवरिंग या शिवरिंग कर रहा है, उसकी वजह से उसमें ब्लड आता भी नहीं है और वो ब्लड पंप भी होता नहीं है, इसलिए आगे का सारा सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। बीटी में भी वही होता है। पीए क्या होता है? पीए में ऐसा होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलते हैं इसको, मतलब हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा लेकिन आपको कोई पल्स नहीं फील होगा। और ये कैसे होता है? तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या होता है, हार्ट जो है उसके अंदर इम्पल्स जनरेट होता है, करंट भी ट्रांसफर हो रहा होता है लेकिन उसको मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं होती है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझाना है तो समझो आपके यहाँ पे एक फैन है, फैन क्या करता है, घूमने का काम करता है, लेकिन एक दिन क्या हो गया, समझो उसका मोटर खराब हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, आपके घर में बिजली है, बिजली वो मोटर तक जा भी रही है लेकिन फैन घूम नहीं रहा है, मतलब वो बंद पड़ गया है। वैसे ही क्या हो रहा है हार्ट में भी, हार्ट के अंदर करंट है तब है लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है मसल्स के अंदर की, उसकी वजह से वो उस करंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इसका ईसीजी लोगे तो आपको मस्त एकदम ईसीजी दिखेगा, सब पी क्यू आर एस दिख सकता है, टी भी दिख सकता है, लेकिन जब आप एक्चुअल पल्स फील करने जाओगे तो पेशेंट का पल्स नहीं होगा। तो इस में जिसे कहा जाता है पीईए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल, जो आता है वो तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। आप अगर मॉनिटर लगाओगे इस पेशेंट को या ईसीजी लोगे तो एक सीधी फ्लैट लाइन आएगी, कुछ नहीं आएगा उसके सिवा उस मॉनिटर पे, तो उसे कहा जाता है असिस्टोल। ये भी कार्डियक अरेस्ट रिदम है। अब ये कार्डियक अरेस्ट होता है ना तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी खास करके ये VF और VT है, VF और पल्सलेस VT है, तो ये रिदम जो है ना इसको आप, इसकी वजह से अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट की हुआ है तो उसको आप बचा सकते हो। लेकिन कैसे बचा सकते हो, तो जैसे ही कार्डियक अरेस्ट हुआ ना तुरंत उसको डिफिब्रिलेट करना जरूरी है। डिफिब्रिलेट मतलब क्या होता है, शॉक बोलते हैं जिसको, फिल्मों में देखा होगा या हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि वो पैड सीधे के ऊपर रखते हैं और फिर मरीज को शॉक देते हैं, तो वो शॉक जो है वो शॉक देके हम मरीज के हार्ट को वापस शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप शुरू भी कर, हार्ट शुरू करने के लिए शॉक दोगे भी बट मशीन तुरंत अवेलेबल नहीं होती है, मशीन आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो जब तक मशीन आ रहा है हमें इस मरीज को CPR करना होता है। तो CPR क्या होता है, कैसे करते हैं, वो हम आगे सीखते हैं। CPR क्या होता है, CPR मतलब मरीज जो होता है, पेशेंट जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट में है, तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट है क्या, तो आप उसका रिस्पांस चेक करेंगे दोनों शोल्डर्स के ऊपर टैप करके। अगर टैप करके शोल्डर्स के ऊपर वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव है। फिर उसके बाद आप उसका ब्रीदिंग और पल्स चेक करोगे एक साथ, देखोगे 5 से 10 सेकेंड तक उसकी चेस्ट राइज एंड फॉल की तरफ देखोगे और एक हाथ से उसका कैरोटिड पल्स चेक करोगे। यहाँ पर याद रखिए, जब आप सस्पेक्ट करते हो कि मरीज कैरोटिड अरेस्ट में है या अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो हम उसका कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स भी आप साइमल्टेनियसली ब्रीदिंग के साथ 5 से 10 सेकेंड के लिए चेक करोगे, अगर एब्सेंट है, ब्रीदिंग भी एब्सेंट है, पल्स भी एब्सेंट है, तो मतलब वो कार्डियक अरेस्ट में है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर फिर पेशेंट के चेस्ट के ऊपर आप कंप्रेशन करते हो, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स। इस तरह से आप CPR शुरू करेंगे, तो आपका कंप्रेशन का स्पीड इतना होना चाहिए कि 1 मिनट में आपने एटलीस्ट 100 कंप्रेशन कंप्लीट होने चाहिए, अगर आप फास्ट करते हो तो, कंटिन्यूस करते हो तो। तो आप क्या, लेकिन हम कंटिन्यूस कंप्रेशन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, 30 कंप्रेशन करते हैं, 2 ब्रेथ देते हैं, 30 कंप्रेशन करते हैं, 2 ब्रेथ देते हैं। कब तक करते रहते हैं ऐसा, जब तक डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता। जैसे ही डिफिब्रिलेटर आ जाता है हम उसे अटैच करते हैं, और अगर रिदम शॉकेबल है जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो तुरंत उसे शॉक दे देते हैं।
समझो इस मरीज को आपने इंट्यूबेट किया हुआ है, इसके ओरल मुंह के जरिए आपने ट्यूब डाली हुई है, तो फिर वहां पर 30:2 नहीं होता है, वहां पे कंटिन्यूस 100 कंप्रेशन करते हैं और दूसरा बंदा जो है वो हर 6 से 8 सेकंड बाद एक ब्रेथ लेगा, तो टोटल 8 से 10 ब्रेथ दिए जाते हैं। सीपीआर तब तक किया जाता है जब तक उसका हार्ट जो है शुरू नहीं हो जाता या आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। जो मैंने कहा था कि रिदम के बारे में, तो वीएफ, तो यहाँ पर जो रिदम दिख रहा है ये देखिए, ये इस तरह का ईसीजी होता है, पूरा कैओटिक बिजार पैटर्न होता है, तो इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहा जाता है। अगला जो ईसीजी है दूसरा है किसी ज्यादा, उसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। ये जो है यहाँ पर एक फ्लैट लाइन दिख रही है, ये असिस्टोल बोलते हैं इसको। ऐसी अगर लाइन आती है तो आप सबसे पहले कनेक्शन चेक करोगे, सारे कनेक्शन सही है, आपने एम्पलीट्यूड चेक किया, लीड चेक किया, सब सही से लगा हुआ है, फिर भी ये फ्लैट लाइन है, मतलब ये ट्रू असिस्टोल है। ये रिदम है, अगर ये ऐसी मॉनिटर पे कोई रिदम दिख रही है और पल्स नहीं है पेशेंट को, तो उसे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। मतलब मॉनिटर पे ऐसे रिदम दिखेगी लेकिन आप पल्स चेक करने जाओगे तो मरीज की पल्स नहीं होगी, तो उसे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। ये है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पी वेव नहीं दिखाई देगा, टीवी नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे, जो कि ब्रॉड QRS यहाँ आपको दिख रहे हैं और उसका रेट भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये वापस ये रिदम है, ये भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ही है। ये अल्गोरिदम है CPR का, कार्डियक अल्गोरिदम, जिसमें हम कैसे मैनेज करते हैं इसको। तो जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है ना, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जैसे ही आपको पता चल गया, आपने टैप किया, शाउट किया, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप तुरंत हेल्प के लिए बुलाओगे, सम कॉल फॉर है। आप वहाँ अगर आप एम्बुलेंस के बाहर हो तो आप बोलोगे एम्बुलेंस में से AED या डिफिब्रिलेटर लेके आने के लिए, तो ये सारी चीजें आप मंगाओगे। फिर आप उसके बाद CPR शुरू करोगे। CPR शुरू करोगे मतलब 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ एंड 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ देना आप शुरू करोगे। साथ साथ आप किसी को बोलोगे, आपके टीम मेंबर को, कि मॉनिटर अटैच करो। तो आपके पास जो लोग CPR शुरू करेंगे, मॉनिटर अटैच करेंगे, ठीक है, और फिर एक बार मॉनिटर अटैच हो गया तो आप चेक करोगे कि उसका रिदम कौन सा है। शाउट फॉर हेल्प, स्टार्ट CPR, ऑक्सीजन देना है हमने, फिर मॉनिटर या डिफिब्रिलेटर अटैच करना है। वो देखने के बाद हमको देखना है कि रिदम शॉकेबल है या नहीं है। तो जो चार रिदम मैंने आपको बताए थे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, असिस्टोल एंड PA, तो उसमें से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये दो रिदम जो है ये शॉकेबल है, और असिस्टोल एंड PA ये नॉन शॉकेबल रिदम है। तो अगर शॉकेबल रिदम है, यस रिदम शॉकेबल, यस, तो आप क्या करोगे, VF और VT है शायद, उसमें से दोनों में से एक कुछ तो होगा, या फिर नॉन शॉकेबल है, असिस्टोल या PA, तो हम क्या करेंगे, अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो आप उसको CPR दोगे नॉन शॉकेबल रिदम है तो, और IV लाइन एक्सेस ले लोगे। अगर IV लाइन आई है तो अभी तक नहीं लिया है तो IV एक्सेस लेना है आपको, और फिर उसको इंजेक्शन एड्रेनालिन, या जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, इंजेक्शन एड्रेनालिन 1 मिलीग्राम, उसका डोज कितना होता है 1 मिलीग्राम, IV बोलस देंगे, मतलब IV लाइन ले लेंगे 1 मिलीग्राम इंजेक्शन एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, जो एपिनेफ्रिन का ही नाम एड्रेनालिन है, आप ले लोगे एम्प्यूल में से, और वो 1 मिलीग्राम इंजेक्शन जो है ना वो फ्लश कर दोगे IV लाइन में से, तुरंत फास्ट देना है, और उसके बाद साथ साथ 20 ml सलाइन का फ्लश भी देना है। मतलब क्या करोगे, दो सिरिंज लोगे, एक में आपको एड्रेनालिन लेना है, दूसरे में आपको 20 cc या 20 ml नॉर्मल सलाइन लेना है। पहले आप एड्रेनालिन पुश करोगे और उसके तुरंत बाद आप 20 cc फ्लश पुश करोगे, और तुरंत हाथ उठाना है मरीज का, क्यों, ताकि वो जो मेडिसिन है वो तुरंत उसके हार्ट तक पहुंच सके। तो एपिनेफ्रिन देना है, और ये एपिनेफ्रिन है ना आप हर 3 से 5 मिनट बाद दोगे। अगर आपको लगता है मरीज को चेस्ट राइज एंड फॉल ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसको एडवांस एयरवे भी लगा डाल सकते हैं।
फिर आप वैसे 2 मिनट तक सीपीआर करोगे, 2 मिनट के सीपीआर के बाद वापस आप चेक करोगे रिदम शॉकेबल है या नहीं है। अगर शॉकेबल नहीं है तो हम शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट का एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। अगर शॉकेबल नहीं है तो वापस आप सीपीआर कंटिन्यू करोगे। लेकिन अब सीपीआर करते करते आपको यहाँ पर कॉजेस भी ढूंढने हैं कि क्या कॉज होंगे। तो इसमें यूजुअली 5H and 5T कॉज होते हैं। तो 5H क्या होता है, तो हाइपोक्सिया होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस होता है, हाइपो और हाइपरकैलेमिया होता है, और हाइपोथर्मिया होता है। ऐसे 5 ये होते हैं। टी में क्या होता है, तो टेम्पोनाड होता है, कार्डियक टेम्पोनाड, थ्रोम्बोसिस कोरोनरी होता है, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी होता है, टॉक्सिन्स होता है, ट्रॉमा होता है। तो ये बाकी के कॉजेस है। अगर ये शॉकेबल रिदम है, आप जो चेक कर रहे हो रिदम वो शॉकेबल है, तो उसमें दो तरह के दो रिदम होते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो आप क्या करोगे, VFVT है तो आप शॉक दोगे। शॉक देने के बाद आप CPR शुरू करोगे। मतलब आपने ऑलरेडी CPR शुरू किया था, CPR शुरू किया, कोई तो आया, उसने मॉनिटर लगा दिया। मॉनिटर लगाने के बाद आपने रुक गया, CPR रुक गया, फिर आपने रिदम चेक किया। रिदम चेक किया तो वो शॉकेबल था, शॉकेबल था, आपने शॉक दे दिया। शॉक देने के बाद आप रुकोगे नहीं, आप तुरंत CPR शुरू करोगे। CPR शुरू किया, CPR शुरू करने के बाद IV एक्सेस ले लेना है 2 मिनट बाद, फिर आप रिदम चेक करोगे। रिदम चेक किया, शॉकेबल था क्या, हाँ शॉकेबल था। अब आप वापस शॉक दे दोगे और CPR शुरू करोगे। अब हमने क्या किया था, एक शॉक दिया, उसके बाद 2 मिनट CPR किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉक देने के बाद अपने आप तुरंत हार्ट जो है वापस नॉर्मल पे आ जाता है, लेकिन सब इसलिए हम पहले शॉक के बाद तुरंत इंजेक्शन या तो कोई दवाई दी नहीं, सिर्फ शॉक दिया। हम क्या करते हैं, फिर पहले शॉक के बाद 2 मिनट CPR करते हैं, फिर चेक करते हैं शुरू हुआ क्या हार्ट, नहीं शुरू हुआ, अभी भी वही रिदम है। तो अब हम शॉक देते हैं और अब की बार हम उसे इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देंगे, तो हम वापस इंजेक्शन एड्रेनालिन या जिसे हम इंजेक्शन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं वो देंगे, 1 मिलीग्राम IV बोलस। इसके तुरंत बाद हम 20 cc से फ्लश भी करेंगे और हाथ ऊपर कर देंगे मरीज का। और अगर जरूरत है, आपको लगता है कि वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी एडवांस्ड एयरवे के बारे में सोच सकते हो। फिर आप वापस 2 मिनट CPR करोगे, 2 मिनट के CPR के बाद आप वापस रिदम चेक करोगे। रिदम अगर शॉकेबल है तो आप शॉक दे दोगे, और फिर यहाँ पर अब क्या हो गया, एड्रेनालिन दे दिया है। एड्रेनालिन अगर आपने एक लास्ट साइकिल में ही दिया था, तो अभी तक 3 मिनट पूरे नहीं होते, क्योंकि एड्रेनालिन अगर आपको देना है तो आप 3 से 5 मिनट बाद दे सकते हो। लेकिन समझो अभी 1.5 मिनट ही हुआ है एड्रेनालिन देके, तो अगले साइकिल में आप तुरंत एड्रेनालिन नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर आप इस मरीज को जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, शॉकेबल रिदम में सिर्फ आप अमेड्रॉन करके ड्रग है या लिग्नोकेन करके जो ड्रग है वो आप पेशेंट को दे सकते हो। देखो तो लिग्नोकेन अमेड्रॉन देना है तो उसका डोज होता है 400 मिलीग्राम IV बोलस, ठीक है। कैसे होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो CPR की क्वालिटी होनी चाहिए पुश हार्ड पुश फास्ट, तो मोर देन 2 inches कंप्रेस करना है, एटलीस्ट 5 inches आपको कंप्रेस करना है। फास्ट कितना होना चाहिए कि एटलीस्ट 100, अगर आप कंटिन्यूस कंप्रेशन करते हो तो 1 मिनट में आपके एटलीस्ट 100 कंप्रेशन होने चाहिए। इंटरप्शन नहीं करने हैं ज्यादा कंप्रेशन में, इंटरप्शन अगर करना है तो सिर्फ ब्रेथ देने के लिए, शॉक देने के लिए, या अगर मरीज की जान को खतरा है तो उसे वहां से हटाने के लिए, एनवायरमेंट की वजह से अगर खतरा है, तो ये 3 चीजों के लिए ही हम इंटरप्शंस कर सकते हैं। एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज्यादा ब्रेथ दे दिया या एक्सेसिवली वेंटिलेट किया मरीज को, तो क्या होगा, वो जो एक्सेस एयर जो है वो उसके लंग्स में चली जाएगी, पेट में चली जाएगी। अब पेट में चली जाएगी ना, तो पेट में इन्फ्लेशन होगा और थोड़ी देर बाद वो सारी हवा बाहर निकल आएगी मुंह के जरिए। अब वो जो हवा बाहर आएगी ना, तो सिर्फ हवा नहीं बाहर आएगी, उसके साथ साथ वो खाना भी लेके आएगी जो उसने खाया, या स्टमक के जो कंटेंट है वो भी बाहर आएंगे। अभी वो बेहोश है तो वो उसे वॉमिटिंग करके बाहर नहीं फेंक पाएगा, वो सारे उसके लंग्स में चले जाएंगे।
और उसको एस्पिरेशन हो सकता है, इसलिए हम एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं करते। दो ही ब्रेथ देना है, वो भी उतना ही देना है कि चेस्ट राइज हो। फिर उसके बाद दूसरा एक रीजन है कि आप अगर बहुत बार बार सांस देते हो और ज्यादा क्वांटिटी में अगर देते हो तो चेस्ट क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा, चेस्ट के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की तरफ आने वाला जो ब्लड है ना वो रुक जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि बाहर से हार्ट की तरफ ब्लड ही नहीं आ पाएगा। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है, हाइपर वेंटिलेशन नहीं करने हैं। अगर एडवांस्ड एयर हर 2 मिनट बाद कंप्रेसर जो है हमें चेंज करना है, अगर एडवांस्ड एयरवे नहीं डाला हुआ है तो 32 बदले के बाद नहीं करेंगे आप, कंटिन्यूस कंप्रेशन करते रहेंगे। अगर कैपनोग्राफी, ये एक मशीन होती है जो ETCO2 मतलब एंड टाइडल CO2, हर सांस के आखिर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसके सांस में से बाहर आ रहा है वो बताती है, तो वो अगर मशीन लगी हुई है तो उसका रीडिंग जो है CPR जब आप कर रहे हो तो 10 के ऊपर होना चाहिए, 10 से नीचे है अगर तो इसका मतलब आपका CPR अच्छा नहीं है, मतलब और जोर से आपको CPR करना चाहिए। फिर शॉक एनर्जी, शॉक अगर देना है तो जब आपके पास जो मशीन है वो आपको मालूम होना चाहिए, यूजुअली आपके एम्बुलेंस में बायफेजिक मशीन होंगे, वो अगर मशीन है आपको तो उसका जो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कितने कितना कैसा शॉक दे देना चाहिए, कितनी एनर्जी का शॉक देना है, तो यूजुअली 120 से 200 के बीच में ये रेंज रहती है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या वहां पर नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर आप जितना मैक्सिमम जो एनर्जी है 200 जूल्स वो आप सिलेक्ट करके उसे शॉक दे सकते हो। दूसरी एक चीज समझो, आपने 100 जूल से शुरू किया था, मशीन ने बोला था 100 जूल से शुरू करो, लेकिन 100 जूल से एक बार में आपको नहीं फायदा हुआ तो अगली बार आप 110 जूल करेंगे, फिर 120 जूल, 130, 140 ऐसे बढ़ाते जाएंगे जब तक आप मैक्सिमम एनर्जी पे नहीं पहुंच जाते। मोनोफेसिक मशीन है तो 360 जूल होता है उसमें मैक्सिमम, वो डायरेक्टली आप मैक्सिमम सिलेक्ट करके उससे शॉक दे सकते हो। ड्रग थेरेपी यूजुअली जो मैंने कहा था कि आप ड्रग्स दे सकते हैं, तो एपिनेफ्रिन ड्रग एक दे सकते हैं जिसका डोज है 1 मिलीग्राम जो हर 3 से 5 मिनट बाद दे सकते हैं। वैसोपेसिन यूजुअली 40 यूनिट्स देते हैं जो कि पहला या दूसरा जो डोज है वो रिप्लेस करने के लिए दिया जा सकता है एपिनेफ्रिन का। अमेड्रॉन जो है उसका फर्स्ट डोज जो है वो 300 मिलीग्राम है, सेकेंड डोज जो होता है वो 150 मिलीग्राम होता है, ये भी IV बोलस देते हैं। तो जो कॉजेस है तो जो मैंने कहा था कि हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस, हाइपो हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टैम्पोनाड कार्डियक, टॉक्सिन्स, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी, थ्रोम्बोसिस कोरोनरी, ये 5H और 5T बोलते हैं इनको। ये कॉमन कॉजेस है जिसके वजह से मरीज जो है वो कार्डियक अरेस्ट में जाता है। জগন্নাথ মতো স্মরণ করছিলে कार्डियक अरेस्ट। तो क्या करना चाहिए आपको कार्डियक अरेस्ट में, जैसे मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सनेस चेक करना है, बंदा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, साथ साथ पल्स भी चेक करनी है, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट करना है, सर्कुलेशन चेक करना है और डिफिब्रिलेशन। तो CPR क्वालिटी हमको पुश हार्ड एंड फास्ट पुश करना है, एटलीस्ट 2 इंचेस, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, फास्ट एटलीस्ट 100 पर मिनट। कंप्रेशन करते वक्त हमें कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल अलाउ करना है, इंटरप्शन जो है वो भी मिनिमाइज करने हैं कंप्रेशन में,
एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं होने देना है, और कंप्रेसर जो है जो सीपीआर कर रहा है हर 2 मिनट बाद उसको रोटेट करना है, चेंज करना है। असेस एंड मैनेज, तो बीएलएस सर्वे हो गया, एसीएलएस सर्वे में आप क्या करते हो, एयरवे आप चेक करोगे, अगर पेटेंट है अच्छी बात है, नहीं तो आप एयरवे एडजंक्ट यूज करोगे, जैसे ओपीए है, एनपीए है, उससे भी अगर नहीं मैनेज हो रहा है तो आप वहां पर जो है एडवांस एयरवे एडजंक्ट जैसे कॉम्बी ट्यूब या लैरिंजल मास्क एयरवे ये इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रीदिंग आप चेक करोगे एडिक्वेट वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं, आप हाइपर वेंटिलेट तो नहीं कर रहे हो। सर्कुलेशन में आपको चेक करना है कि आपका सीपीआर क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, कंप्रेशन हार्ड एंड फास्ट हो रहे हैं या नहीं, अलाउ कंप्लीट रिकॉइल अलाउ हो रहा है या नहीं है। और डी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब ये कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ वो जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ उसको ट्रीट करने की भी कोशिश करेंगे। ये एल्गोरिथम है, ये हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी देख लिया है, शॉक या सिस्टोल रिदम है। तो जब आपको ऐसी फ्लैट लाइन अगर मॉनिटर पे दिखती है तो तुरंत उसे असिस्टोल नहीं बोलना है आपको, वो फ्लैट लाइन जो है वो कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है ना, ये आइडेंटिफाई करना है। तो आप लीड चेक करोगे, कोई लूज लीड है तो उसे वापस प्रॉपर अटैच करोगे, पावर है कि नहीं वो देखोगे, लो एम्पलीट्यूड तो नहीं है वो चेक करोगे, उसका गेन बढ़ाओगे। ये सब करने के बावजूद भी आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये फ्लैट लाइन ही है, तो फिर उसको असिस्टोल कहा जाता है। पीए में क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मॉनिटर के ऊपर रिदम दिखता है, ऑर्गेनाइज्ड रिदम दिखता है, लेकिन पल्स नहीं होता है, तो उसे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहा जाता है। और कौन सी पल्स, याद रखिए मैं जब पल्स बोलता हूँ तो मैं सिर्फ कैरोटिड पल्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें कार्डियक अरेस्ट है, नॉन शॉकेबल है, जैसे असिस्टोल पी है तो सीपीआर करना है, IV IO एक्सेस लेना है, एपिनेफ्रिन या वैसोप्रेसिन आप यहाँ पर मरीज को दे सकते हो। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हाइपोवोलेमिया है पेशेंट को तो जो ईसीजी मिलेगा आपको पीए में, खास करके पीए में, अगर मरीज को हाइपोवोलेमिया है और पीए में पेशेंट है तो उसको नैरो कॉम्प्लेक्स रहेगी, आपके जो QRS कॉम्प्लेक्स है ना वो सारे नैरो रहेंगे और रेट फास्ट रहेगा, तो यूजुअली ये हिमरेज में या डिहाइड्रेशन में हो सकता है। तो यहाँ पर आप मरीज को कार्डियक अरेस्ट में है, आपको पता चल रहा है कि उसका बहुत ब्लीडिंग हुआ है या फ्लूइड लॉस हुआ है, यहाँ पर आप तुरंत उसको फ्लूइड देते हो या ब्लड देते हो तो उसको शायद कार्डियक अरेस्ट जो है वो रिवर्ट हो सकता है। हाइपोवोलेमिया के बाद हाइपोक्सिया आता है, तो यूजुअली किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा था या समझो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके बाद अरेस्ट हुआ है, तो ये हाइपोक्सिया हो सकता है। तो यहाँ पर आप मरीज देखोगे कि मरीज को साइनोसिस भी हो सकता है, उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजनेशन करोगे और उसको वेंटिलेशन, हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे, एडवांस एयरवे डालोगे, तो उसकी उसका ऑक्सीजन लेवल जैसे बढ़ेगा हो सकता है उसका कार्डियक अरेस्ट भी रिवर्स हो जाए, उसका हार्ट वापस से नॉर्मल बीट करना शुरू कर दे। एसिडोसिस इन्फेक्शन है या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, शरीर में एसिड की लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बहुत स्मॉल हो जाता है, छोटा दिखने लगता है। तो अगर आपको कार्डियक अरेस्ट रिदम है, पीए है और जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बहुत छोटा है, तो समझ जाइएगा कि ये शायद एसिडोसिस है। तो यहाँ पर आप मरीज को ऑक्सीजनेशन दे सकते हो, वेंटिलेशन कर सकते हो और सोडा बाइकार्ब करके इंजेक्शन दवाई आती है वो देने से एसिडोसिस के जो मरीज है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर उसके बाद हाइपो या हाइपरकैलेमिया आता है। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, ईसीजी जो जो कार्डियक अरेस्ट रिदम है ना वो ऐसे टॉल टॉल वेव दिखते हैं, ब्रॉड QRS हो जाता है, तो उसको हाइपरकैलेमिया है ये आप समझ सकते हो। तो ये और साथ साथ मरीज हिस्ट्री भी देगा कि उसको शायद रेनल फेलियर हुआ है, डायबिटीज है, या अभी रिसेंटली वो डायलिसिस करके आया है या दवाई कुछ लेता है। तो इसमें इस मरीज का ये क्या करते हैं कि पोटेशियम कम करने के लिए, ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से उसको ये तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड करके इंजेक्शन आता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट करके एक इंजेक्शन आता है या फिर ग्लूकोज प्लस इंसुलिन का ड्रिप लगा देते हैं ताकि ये जो
पोटेशियम ज्यादा है सर्कुलेशन में, वो कम हो जाए। वैसे ये हाइपरकली, ये इस तरह से कुछ चेंजेस दिखते हैं। तो नॉर्मल है पोटेशियम लेवल, तो ये पहले ईसीजी जो है नॉर्मल 5 इक्वी, फिर अगर 7 का हो गया तो वहां क्या हो जाता है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्यूआरएस ब्रॉड हो जाता है। अगर 8 हो गया तो और ब्रॉड हो जाता है क्यूआरएस, टी वेव जो है वो एकदम पॉइंटेड हो जाती है। फिर 10 के लेवल पे ब्रॉड होता है और ये वाइड होने लगता है, और एक साइन वेव ऐसे वेव जैसा सब पूरा ये ईसीजी जो है वो दिखने लगता है। हाइपोकैलेमिया के में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में ई वेव जो है वो फ्लैट हो जाने होने लगता है, यू वेव आने लगता है, क्यूआरएस प्रोलॉन्ग हो जाता है, वाइड हो जाता है, और क्यूटी भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लूज मोशन हुआ, बहुत वॉमिटिंग हुआ, या रिसेंट डायलिसिस हुआ है, तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है। उसमें भी ये इस तरह का ईसीजी आपको दिख सकता है मॉनिटर के ऊपर, यहाँ पर भी ब्रॉड क्यूआरएस दिखेंगे, पी वेव होगा, क्यूआरएस होगा, टी वेव होगा, और ये ब्रॉड क्यूआरएस होंगे। तो आप सोच सकते हो कि ये शायद हाइपोकैलेमिया की वजह से है। तो यहाँ पर आप मरीज को पोटेशियम इन्फ्यूजन दे सकते हो, साथ साथ मैग्नीशियम भी इन्फ्यूजन देना होगा। हाइपोथर्मिया ये बहुत रेयरली आप देखोगे आपके यहाँ पर। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, ईसीजी में ये और एक वेव बनता है क्यूआरएस के बाद, टी वेव दूर रहता है, टी वेव के पहले और एक छोटा वेव बनता है जिसको ऑस्बोर्न वेव कहा जाता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया में अगर ये है तो शायद मरीज को हाइपोथर्मिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको रिवॉर्म करना होता है ग्रेजुअली मरीज को, तो कोर रिवॉर्मिंग जिसको हम बोलते हैं। ये भी उसका ईसीजी है पूरा 12 लीड। फिर आता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, ईसीजी जो होता है वो नैरो कॉम्प्लेक्स होता है, और हिस्ट्री होगा यहाँ पर आपको, यहाँ मरीज का पल्स नहीं फील होगा, नेक वेन डिस्टेंडेड रहेंगे, ट्रकियल डेविएशन होगा, ऑस्कल्टेट करोगे तो अनइक्वल ब्रेथ साउंड होगा, डिफिकल्ट टू वेंटिलेट होगा। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो निडल थोरैकोस्टेंटेसिस, निडल डीकम्प्रेशन होता है, या फिर आपको आईसीडी डालना होता है। इसमें से आईसीडी जो है या ट्यूब थोरैकोस्टोमी या हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम आप निडल डीकम्प्रेशन कर सकते हो, क्योंकि हमने चेस्ट ट्रॉमा में आपको पढ़ाया होगा, नहीं तो आपको पढ़ाएंगे। टैम्पोनाड कार्डियक, इसमें भी ईसीजी का रेट जो है वो रैपिड रहता है, एक कॉम्प्लेक्स बड़ा दिखेगा, एक छोटा दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा, एक छोटा छोटा दिखेगा, जिसको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस कहा जाता है। यहाँ पर भी आप सीपीआर करोगे तो भी आपको शायद पल्स फील नहीं होगा, नेक वेन डिस्टेंशन होगा। और यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के बाहर नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही हो सकता है, जिसको पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं, मतलब हार्ट के अराउंड जो पानी या फ्लूइड या ब्लड जमा हुआ है उसको सीजिंग से एस्पिरेट करके निकाला जाता है। ये यहाँ पर दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो एक कॉम्प्लेक्स बड़ा है, दूसरा छोटा है, इसको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस कहा जाता है। ड्रग ओवरडोज में जो ड्रग लिया है उसके हिसाब से आपको ईसीजी दिख सकता है, लेकिन ज्यादातर क्यूटी प्रोलोंगेशन कॉमन होता है। यहाँ पर ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है, बॉटल्स एम्प्टी सीन बॉटल्स होंगे।